देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को इंश्योरेंस की प्रीमियम देते समय बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार उनका पैसा जा रहा है, और यही कारण होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं पॉलिसी लेने के कुछ सालों बाद अपनी पॉलिसी को बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीमियम देने में थोड़ी भी तकलीफ होती है तो वो यही सोचते हैं कि यार बंद करो फिर कभी देखेंगे, और देखा जाए तो भविष्य में वो फिर कभी आता ही नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो लेता है, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी को कब बंद कर देता है पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम लेते समय आज आपको तकलीफ महसूस हो सकती है, आज आपको अच्छा ना लगे, मैं मान सकता हूँ आपकी बात। और देखा जाए तो आप कोई सा भी बिल पे करते हो, यानी आप अपने घर का टैक्स जमा करते हो, बिजली का बिल भरते हो, या आप अपने घर के लिए कोई भी छोटा बड़ा सामान लेकर के आते हो, तो देखा जाए तो आप जो भी चीज़ें खरीदते हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बिल पे करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई सा भी बिल पे करो आपको तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि आपका जो पैसा होता है आप बहुत ही मेहनत से कमाते हो, और जब वो पैसा आपकी जेब से जाता है तो तकलीफ होती है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। लेकिन यदि बात की जाए इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का अफसोस नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ आपका जो पैसा है वो मेहनत का है, लेकिन देखा जाए तो आपका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। दुनिया का आप कोई भी सामान खरीद लो, भविष्य में आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन यदि बात की जाए इंश्योरेंस की, तो यह आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। यानी देखा जाए तो आज आपके परिवार का जो भी खर्चा होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितने भी खर्चे होंगे, ये सारे के सारे खर्चे आज आप अपने मेहनत की कमाई से पूरे कर देते हैं। लेकिन भगवान ना करे भविष्य में कभी आपकी इनकम पूरी तरह से बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर रहे थे, इसी प्रीमियम के द्वारा आगे चलकर आपको व आपके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जिससे कि देखा जाए तो आपको व आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखा जाए तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उस समय की कर रहा हूँ जब आप आपके परिवार के बीच में रहते हो। लेकिन भगवान ना करे, लेकिन यदि आपके साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपने प्रीमियम जमा करा था इसके बदले में आपके परिवार को एक क्लेम का अमाउंट मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा होगा, जिससे कि आपके घर के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे मैनेज हो जाएंगे। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि दुनिया के जितने भी बिल हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिल, जिनका पेमेंट करते समय आपको तकलीफ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करने की, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते समय आपको किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए, आपको अपने अंदर एक अभिमान लेकर के आना चाहिए, आपको थोड़ा सा गुमान होना चाहिए कि देखा जाए तो आपने दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के रखा है जिसका बिल यदि आज आप भरते हो तो भविष्य में भगवान ना करे, लेकिन यदि कभी आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो आपके आगे के जो भी बिल होंगे उसका पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही आसानी से कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो यदि वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।